एक बात बताओ, अगर जी तुम्हारी बहन बेटी पर हम ऐसा गाना गा दे तो क्या करोगे? देखिए उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा चीज है, नहीं देखिए आप लोग सुने हैं इनका गाना, खेसारी लाल का गाना सुने हैं? हम खेसारी लाल यादव का हर गाना सुनते हैं, और उसके बाद जो ये गाना गाए हो कि खेसारिया तुम्हारा बेटी को लेंगे लेंगे, ये बताओ कि तुम अपने हिसाब से अच्छा किए हो? जी बिल्कुल, भोजपुरी में अगर सुधार होना है तो ये सब करना होगा। अच्छा तुम ये बताओ कहाँ से हो? हम तो दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ रहते हो ये बताओ? दिल्ली में आनंद विहार रहते हैं। आनंद विहार में किस गली में किस जगह पर रहते हो ये बताओ? नहीं देखिए उतना एक सुरक्षा के रिलेटेड से दिक्कत आ सकता है। काहे इतना ज्यादा डर है तुमको? नहीं डर नहीं है, हम डरते किसी के बाप से नहीं है, आप कहाँ घूम रहे हैं? अच्छा तो ये बताओ, ये तो नहीं है कब हम अपना एड्रेस बता दे, सारे लोग आएंगे मिलने के लिए, कोई दुश्मन होगा वो मिलने के लिए आएगा, कोई चाहने वाला होगा वो मिलने के लिए आएगा, दिक्कत नहीं होगा? एक मिनट सुनो, अगर जो स्टार होना है तो अपने दम पर रखो, किसी सुपरस्टार के बेटी पर गाना गा के क्यों स्टार होना चाहते हो? नहीं, हम आपको बताते हैं भोजपुरी को हम केवल सुधारना चाहते हैं ना। तुम क्या सुधारे हो यार, तुम तो खुद गलत कर रहे हो। नहीं गलत नहीं कर रहे, उनके गाना में सुनिए आप कितना बड़ा अश्लील है उनके गाने। तो अश्लील हो तो बबुआ खेसारी लाल यादव तुमसे कहे हैं कि तुम मेरा गाना आकर सुनो? नहीं हम बोले उनको आप सुनिए हमारा गाना। तो नहीं वो तुम उनसे नहीं बोले हो, ठीक बात है, पर तुम उनका फोटो क्यों लगाए हो? वो तुम्हारे पाहुन है। अरे तो फोटो लगाए तो जो अफ्रीकन के फोटो लगाए वो बोले अफ्रीका वाला जो फोटो लगाओ मेरा। भाई वो एक अलग बात है, अफ्रीका का जो लड़का है, एक मिनट सुनो, अफ्रीका का जो लड़का है वो एक वायरल बंदा है और उसका फोटो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है? क्योंकि भैया अगर ये तुम एक मिनट अच्छा चीज करोगे तो फोटो यूज कर सकते हो, खेसारी लाल यादव उस पर गाना बनाए हैं। हम मानते हैं कि टेंगे टेंगे गाना अश्लील है, तो भैया अश्लील है तो उनके बेटी के ऊपर तुम गाना गाओगे? तुम्हारी बेटी है ये बताओ। देखिए नहीं, तुम्हारी बेटी है। मिथुन कुशवाहा जी, पहले ये बताओ तुम्हारी बेटी है? जी बिल्कुल है। हाँ तो भैया हम भी तुम्हारी बेटी का गाना बनाएंगे कि तुम्हारी बेटी को हम लेंगे लेंगे। नहीं अगर मेरे तरफ से अश्लील हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अगर ये तुम्हारी बेटी है, सुनो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारी बहन और बेटी को हम गाना बनाएंगे कि मिथुन कुशवाहा तुम्हारी बेटी को हम लेंगे लेंगे लेंगे, और तुमको जो करना होगा कर लेना, केस भी करना होगा तो कर लेना, हमको कोई भी डर नहीं है। और देखो हमको गुस्सा क्यों भरा है यार, वो सुपरस्टार है, वो अपना काम कर रहा है, वो किसी भी लड़की का गाना नहीं गा रहा है, मगर फिर भी तुम लोग उसको क्यों कुरेद रहे हो यार? वो तुमको क्या किया है? तुम्हारा दो कांटा जमीन लिया है? अरे यार सुनो एक बात बताओ, सुनो अगर ये एक मिनट सुनो, अगर ये तुम भोजपुरी को बचाना चाहते हो तो तुम अपना एड्रेस बता दो, तुम अपनी माँ का कसम खाकर कि तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद तुमको लोग बता देंगे कि भोजपुरी को कैसे बचाना है और किस तरीके से बचाया जाता है भोजपुरी को, तुमको लोग बता देंगे यार, तुम बता तो दो। सुनो एक बात, डरपोक आदमी कभी भी, एक मिनट मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन लो यार, हम बहुत छोटे मोटे आदमी है। एक बात सुनो, अगर तुम भोजपुरी को बचाना चाहते हो तो एक काम करो, अपना एड्रेस बता दो, तुमको लोग बता देंगे। बिल्कुल लोग बता रहे हैं, देखिए लोग लाइक करके हमें बता रहे हैं, लोग लाइक करके हमें सपोर्ट दे रहे हैं। बेटा सुनो, उसका हेटर भी बहुत ज्यादा है और उसका फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे पास हेटर आ रहे हैं, फैन फॉलोइंग आएंगे ना तो तुम्हारी चोट कर खत्म कर देंगे। हम बताते हैं आपको, ये जो हमें मालूम है अच्छी तरह से कितना फैन फॉलोइंग है और कितना क्या है ना, तो हम एजुकेटेड आदमी है, ठीक है, कोई नॉर्मल कोई तुम एक नंबर का गवार आदमी हो, सुनो एक नंबर का गवार आदमी हो, अभी हम इस कॉल रिकॉर्डिंग में ना गाली गलौज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं यार गाली गलौज तुमको करना, और यार तुमको अगर गाली देंगे ना तो हमारे ऊपर वो गाली पड़ेगा, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी नहीं देखे। और सुनो एक बात सुनो, तुम खेसारी लाल यादव पर गाना गाकर सोचते हो स्टार बनना, हमारे झाट के बालों ही बना बोल, वही बात याद रखियो।
कहना चाहते हैं यार, तुम अगर ये एक बाप का औलाद होगे तो तुम अपना एड्रेस बता दोगे यार, बता दो ना तुम अपना एड्रेस। अरे आप कंटेनर हैं या क्या चीज है? हमको भैया, हमको कंटेन नहीं चाहिए, तुम्हारा एड्रेस चाहिए। कंटेन नहीं चाहिए तो फिर रखिए कोई कमी। तो एड्रेस बता दो ना, अगर तुम एक बाप का औलाद हो, सुनो सुनो, एक बाप का औलाद हो तो तुम अपना एड्रेस बता दो। देखो भैया, हम जहाँ का है, सुनो सुनो, हम जहाँ का है वहाँ का राजा है, और जहाँ का नहीं है वहाँ का नौकर है, ठीक है? तो जहाँ से हम हैं वहाँ पर राजा है। ओके ओके, तो एक बार एड्रेस तो बता दो यार, हम तुमसे मतलब लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं। देखो एक बात बताओ, देखो हम तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस तुम्हारा एड्रेस जानना चाहते हैं, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि क्या होता है, जो भी चीज होता है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम पड़ेगा सुमित। सुमित जी, देखिए सबसे बड़ा चीज है आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट मिल गया उसको। नहीं यार, तुम एक बात 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 तुम कहो कि सुमित इस वीडियो को पोस्ट मत करना, मैं इस वीडियो को पोस्ट नहीं करूंगा, पक्का। देखो भाई, सच में यार तुम पर हम बहुत ज्यादा गुस्सा है। देखो भाई, देखो भाई, सुनो, देखो देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम तुमसे बहुत प्यार प्यार से बात कर रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुमसे प्यार से बात करें, तुम्हारा एड्रेस पता कर लें, और उसके बाद जो भी होगा तो देखा जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि यार लड़ाई झगड़ा का कुछ किया जाए, बस तुम अपना एड्रेस बता दो एक बार। ओके चलो तब ठीक है, बिल में लुकाई रहो, ऐसा ही ठीक है सर। ओके भैया, ये एक नंबर का डरपोक आदमी है, गाना गा दिया है खेसारी लाल यादव का बेटी पर, खेसारी लाल यादव के बेटी पर, और साला बिल में लुकाई बा दिल्ली में, और तू लोग समझ सकता लोग, मगर तू लोग एक बारे में क्या करे के चाहता लोग, अपन विचार कॉमेंट करके बताओ लोग। और ना तो खेसारी लाल यादव जी नर्म निवेदन था कि ऐसा ऐसा आदमी के जेल में रुआ भेजी, कहे से कि भैया रुआ जिंदगी में तकलीफ ला दे रहे भाई।